देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार शाम को निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का की घोषणा की है। आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने बताया कि प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन उनके निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग नई दिल्ली पर सुबह 11 से 12 बजे तक किए जा सकेंगे। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 2:30 बजे लोधी रोड शमशान घाट में होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिवंगत सम्माननीय नेता के सम्मान में भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दौरान देश भर में उन सभी भवनों का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां ध्वज लगा रहता है। आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे।